वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के बैंकिंग चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बैंकिंग वर्ड का क्या मतलब होता है, बैंक का क्या मतलब है। हमारे यहाँ जनरली दो टाइप के बैंक हैं, दैट इज कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक क्या काम करते हैं, मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस हैं डिटेल वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट हमने दो बेसिक फीचर देखे थे कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने और लोन देने का काम करता है। उसके अलावा हमने बात की थी आपसे सेंट्रल बैंक की, सेंट्रल बैंक क्या होता है। देयर इज वन सेंट्रल बैंक, दैट इज RBI। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके अलावा हमने बात करी थी कि RBI और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या है एंड RBI के क्या क्या फंक्शन है, कैसे RBI जो है उसके पास सोल अथॉरिटी है नोट इशू करने की, कैसे RBI बैंकर्स का बैंक है, कैसे RBI गवर्नमेंट का बैंक है, कैसे RBI लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, और लास्ट फंक्शन था कि कैसे RBI क्रेडिट कंट्रोल करता है। तो क्रेडिट कंट्रोल करता है को हमने वहाँ पे पॉज करा था, जो कि हम आज की क्लास में इन डिटेल देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करें वर्ड क्रेडिट की, ठीक है, क्रेडिट की। और आई कैन से हिंदी मीडियम में ये वर्ड यूज किया जाता है सा, तो इट इज जस्ट मनी, ठीक है। बेसिकली कि RBI कैसे मनी कंट्रोल करता है इकोनॉमी में। अब दो चीज़ें होती हैं, कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, या तो इकोनॉमी में मनी ज़्यादा जा रही होगी या इकोनॉमी में मनी कम जा रही होगी, ठीक है। मनी ज़्यादा जा रही होगी वो भी प्रॉब्लम है, मनी ज़्यादा जाएगी लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो लोग डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे और उतनी सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो उस मनी को भी हमें कंट्रोल करना है कि वो जो मनी ज़्यादा जा रही है उसको हम किसी तरीके से पब्लिक के पास से कम करें। इतनी बात हमें समझ में। इसके अलावा अगर मनी कम जा रही है तो पीपल इन द इकोनॉमी आर नॉट डिमांडिंग, तो वहाँ पे लोगों की डिमांड क्रिएट करने के लिए हमें मींस RBI को, मींस पूरे सिस्टम को, लोगों के पास किसी तरीके से मनी थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, इंजेक्ट करनी पड़ेगी, इकोनॉमी में एड ऑन करनी पड़ेगी। तो ये पूरी चीज कौन करता है? RBI करता है। कैसे करता है वो आज की क्लास में हमें देखना है। अब कैसे करने के लिए, जो मैंने मनी ज़्यादा जाना और कम जाने की बात करी, तो इनको हम दो वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे, इन्फ्लेशन का केस और डिफ्लेशन का केस, ठीक है। देखिए, वैसे तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का मीनिंग हम लोग डिटेल में, मैंने आपको बताया है कि इंडियन इको पढ़ेंगे, इंडियन इको में डिटेल में देखेंगे क्या होता है, क्यों होता है ये सारे फैक्टर। यहाँ पे बस आपको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का इतनी सी बात जाननी है कि RBI इकोनॉमी में ज़्यादा पैसे और कम पैसे दोनों को कंट्रोल करता है। जब इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा है तो वो सिचुएशन कहलाएगी इन्फ्लेशन, कि सब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, वो डिमांड ज़्यादा कर रही है, तो हमें लोगों के पास से पैसा क्या करना है, कम करना है। ये चीज इन्फ्लेशन में देखेंगे। डिफ्लेशन में देखेंगे कि लोगों के पास पैसा कम है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, लोगों की परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता, ये वर्ड बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, परचेजिंग पावर। देखो, जब मेरे पास पैसा होगा ना तो मैं चीजें खरीदने की क्षमता रखती हूँ, मैं चीजें खरीदूंगी, तो उस केस में मेरी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी। तो इन्फ्लेशन के केस में मेरी परचेजिंग पावर ज्यादा है बिकॉज आई एम हैविंग द मनी, मेरे पास पैसा है। वही डिफ्लेशन के केस में मेरी परचेजिंग पावर कम है क्योंकि मेरे पास पैसा यहाँ पे अभी नहीं है। इतनी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि कैसे कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, पहला है क्वांटिटेटिव मेजर, दूसरे है क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर का पहले मीनिंग समझते हैं। देखिए, किस तरीके से डिवाइड करेंगे जितने भी क्वांटिटेटिव मेजर हैं, सबसे पहले हम इनका एक एक मतलब मीनिंग देखेंगे। मीनिंग के बाद हम देखेंगे कि इसके केस में इन्फ्लेशन में RBI क्या करता है और डिफ्लेशन में क्या करता है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे कि RBI इन पर्टिकुलर मेजर्स के थ्रू, इन पर्टिकुलर टूल्स के थ्रू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। नाउ कम टू द टॉपिक, क्वांटिटेटिव मेजर मीन्स न्यूमेरिक चीजें, जहाँ पे नंबर की, अमाउंट की बात हो रही है, ये हमें पता होना चाहिए। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव की जब भी बात आती है ना, मेनली प्योरली हम लोग किस पे फोकस करते हैं, विल फोकस स्ट्रेट ऑन द नंबर्स। वहीं जब क्वालिटेटिव की बात आती है तो यहाँ पे थोड़े से और एक्स्ट्रा फैक्टर भी ऐड हो जाते हैं। क्वांटिटेटिव में फर्स्ट इज बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है, अभी सुन के इसको याद कर लीजिए, कभी भी आगे फर्दर आपको ये टर्म आपको देखने को मिले तो, बैंक रेट इज दैट रेट इन विच द सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक। व्हाट इज इट? बैंक रेट इज द रेट इन विच द सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक। देखिए, मैंने आपको बताया था RBI बैंकर्स का बैंक होता है, मतलब अगर किसी भी बैंक को, SBI है और व्हाटएवर, कोई भी बैंक है XYZ लाइन से, उसको पैसे की जरूरत है, वो किसके पास जाएगा? RBI के पास जाएगा। बट RBI से मदद करने में पैसा बांटता नहीं है, RBI आपको लोन भी देता है जिस पे आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम की तरह काम चलता है। तो कोई एक्स बैंक है, RBI ने अगर इसे लोन दिया तो जो भी रेट RBI इस पे चार्ज करेगा वो क्या कहलाता है? बैंक रेट, ठीक है।
आप लोगों को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप अपना, मैंने पहले भी बोला, आप लोग नीचे मेंशन कर दीजिए मुझे कमेंट में अपना ईमेल आईडी, आपके ईमेल आईडी पे आई विल सेंड यू द नोट्स और उसमें मैं सारी करंट चीज़ें अपडेटेड कि कितना परसेंट ये रेट एट प्रेजेंट चल रहा है इकोनॉमी में। ऑल दो चीज़ें अभी तो बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम ड्यू टू द सिचुएशन चीज़ें खराब है, बट स्टिल रेट क्या चल रहा है एट प्रेजेंट का, ये सब नोट्स में आपको चीज़ें मिल जाएंगी बिकॉज करंट सिचुएशन क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। बट फर्स्ट वी हैव टू नो द कंसेप्ट। तो उसके लिए मैंने देखा आरबीआई ने एक्स बैंक को एक लोन दिया, ठीक है, इसको जिस रेट पे लोन दिया, लेट्स से एक्स बैंक को जरूरत थी 1000 रुपीज की, इसने आरबीआई से 1000 रुपीज ले लिए। ओके, अब आरबीआई ने कहा है कि भैया मुझे जब भी वापस करोगे वो आपके ऊपर है, बट आप मुझे इस पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे। ओके, 10% देना पड़ेगा, तो ये 10% क्या हो गया, ये 10% हो गया बैंक रेट, जो रेट जो परसेंटेज आरबीआई किसी बैंक को लोन देने पे चार्ज करता है वो होता है बैंक रेट। इतनी मीनिंग समझ में आ गया आपने। देखिए बैंक रेट के साथ साथ एक और टर्म होती है रेपो रेट। बैंक रेट एंड रेपो रेट काइंड ऑफ सिमिलर थिंग है, यही होता है जब आरबीआई किसी बैंक को लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो रेपो रेट होता है। बट डिफरेंस क्या होता है, रेपो रेट इज फॉर द शॉर्ट टर्म, मतलब जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर आरबीआई ने किसी बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया है, मींस लेस देन 1 ईयर शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया है, तो वो होता है रेपो रेट। और वहीं अगर लॉन्ग टर्म के लिए दिया है तो वो हो जाता है क्या, बैंक रेट। कहानी समझ में आ गई। ओके, अब देखो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे होगा, अभी समझ लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लास्ट में सारी चीजें समझ में आने के बाद आप लोग फटाफट से इसके आंसर खुद मुझे दो। देखिए 1000 रुपए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, 10% मतलब 100 तो अभी लगा लो, 100 रुपीज का इंटरेस्ट लग गया, 900 रुपीज का पैसा एक्स के पास पहुंच गया। एक्स कौन है, एक बैंक है। एक्स के पास कितने रुपए पहुंच चुके हैं, 900। एक्स एक बैंक, एक्स के पास 900। एक्स मार्केट में अब कितने रुपए उधार दे सकता है, 900 रुपए उधार दे सकता है। अब मैं कह रही हूँ, दो केस मैंने आपके सामने लाए थे ना, कि एक केस है इन्फ्लेशन का और एक केस है डिफ्लेशन का। इन्फ्लेशन के केस में लोगों के पास पैसे ज्यादा है और मुझे मार्केट से पैसा क्या करना है, कम करना है। मुझे मीन्स कौन हूँ मैं, आरबीआई, मुझे मार्केट से पैसा कम करना है। तो अभी मैंने क्या करा था, इस पे 10% इंटरेस्ट लगाया था बैंक पे, तो इसके पास 900 रुपए पहुंच रहे थे और ये आगे पब्लिक को 900 रुपए का लोन दे पा रहा था। अब मैं क्या करूंगी, अगर इन्फ्लेशन का केस है, मैं इस रेट को 20% कर दूंगी, सो दैट ये 200 रुपीज मुझे एज अ इंटरेस्ट दे और इसके पास आगे सिर्फ 800 रुपीज लोन देने के लिए बचे। तो पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा, तो ये जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी ये कंट्रोल हो जाएगी। समझ में आया, मींस इन्फ्लेशन का अगर केस है तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जो बैंक रेट है, ये जो परसेंटेज है, इसको कर देगा इंक्रीज। इतनी बात हमें समझ में आई, आरबीआई इस परसेंटेज को क्या कर देगा, इंक्रीज। अब इसका वाइस वर्सा कर लीजिए, अगर डिफ्लेशन है, लोगों के पास पैसा कम है, ये 800 रुपए लोगों को बहुत कम पड़ रहे हैं, लोग डिमांड नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, वेरी मतलब क्लियर बात है, आप इस रेट को क्या कर दीजिए, थोड़ा सा कम करिए, ताकि उसके पास, बैंक के पास पैसा ज्यादा पहुंचे, और बैंक के पास पैसा ज्यादा पहुंचेगा तो बैंक फर्दर लोन ज्यादा दे पाएगा। इज दैट क्लियर। तो डिफ्लेशन के केस में बैंक क्या कर देंगे, बैंक रेट हम कर देंगे कम। इतनी बात हमें समझ में आई। तो अब बात करते हैं बैंक रेट क्या है। बैंक रेट, रेट समझ में आया, मीनिंग कि वो पैसा जो सेंट्रल बैंक किसी भी कमर्शियल बैंक से चार्ज कर रहा है लोन के बदले में। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन वो परसेंटेज हम ज्यादा कर देंगे, और डिफ्लेशन का केस है तो वो परसेंटेज हम कम कर देंगे। इन्फ्लेशन में ज्यादा करेंगे ताकि मार्केट में पैसा कम पहुंचे और लोगों की परचेजिंग पावर कम हो, और डिफ्लेशन में हम ज्यादा देंगे ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े। कहानी सब में यही लिखनी है, पहले मैं डिटेल में समझा रही हूँ ताकि मुझे बार बार सारे टॉपिक्स में ये बात रिपीट ना करनी पड़े, ठीक है। रेपो रेट का मीनिंग समझ में आया। अब कैश रिजर्व रेशियो और स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR और SLR का मतलब समझने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ऐसा होता है ना, घर में कोई रिलेटिव आता है कई बार, फॉर एग्जाम्पल वो आपको पैसे देके गया, बुआ आई है मान लो घर पे घूमने किसी के, और आके आपको 2000 रुपीज देके गई। अब मम्मी की नजर है भाई 2000 रुपीज आपको मिले हैं, अब 2000 तो आपकी जेब में जा नहीं सकते, अब आपको भी यार इतने सारे पैसे कहाँ रखेंगे, एक काम करते हैं मम्मी के पास जमा करा देते हैं ये पैसे, रख लेते हैं मतलब, लेकिन अभी के लिए मुझे खर्चे के लिए चाहिए, तो 2000 आप रख लिए तो 500 तो मुझे दे दो, मैं यूज करूँ, मैं मतलब उस पैसे को यूज करूंगी, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, कुछ भी बट। तो 2000 रुपये मम्मी के पास गए, उसमें से 500 रुपये मैंने अपने पास रखवा लिए। वो 2000 मम्मी के पास मैंने रखवाए क्यों, क्योंकि कभी आगे किसी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, गिफ्ट देना है, कोई पार्टी करने जाना है, तो मम्मी के पास से वो पैसे मैं लेती रहूंगी, ठीक है। समझ में आया, पैसा मेरे हाथ में आया, किसी ने मुझे पैसे दिए 2000 रुपये, बुआ लेके गई है, बुआ ने जो पैसे दिए उसमें से मैंने 2000 का नोट था, क्योंकि इतने सारे पैसे थे, वैसे तो ज्यादा नहीं आजकल आप पैसे खर्च कर देते हो इतने पैसे, बट स्टिल उन 2000 में से मैंने 2000 अपने पास रखे।
मम्मी को 2000 का नोट दिया, मम्मी से 500 का नोट लिया कि मैं इसको भी अपने हिसाब से खर्च करूंगी और बाकी 2000 आप रख लीजिए, मैं जरूरत के अकॉर्डिंग आपसे वो पैसा लेती रहूंगी क्योंकि जरूरत पे मम्मी ही याद आएंगी पैसे के लिए। ये कंसेप्ट समझ में आया? तो मतलब अपने पास आए पैसे का कुछ पैसा हम अपने पास रख लेते हैं और कुछ पैसा हम मम्मी के पास रखवा लेते हैं। तो यहाँ पे आप हो एक कमर्शियल बैंक और मम्मी है आपके लिए RBI सेंट्रल बैंक। तो यही चीज होती है, बैंक्स के पास जितना भी पैसा आ रहा है, देखो 1, 2, 3, 4 मतलब देयर आर मल्टीपल पर्सन जो मेरे पास पैसा जमा करा रहे हैं, तो हर अमाउंट का कुछ परसेंटेज मैं अपने पास रखती हूँ और कुछ परसेंटेज में RBI के पास रखवाती हूँ। नाउ क्वेश्चन आएगा, व्हाई ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? आज मिस्टर एक्स आके मेरे पास 10,000 रुपए रखवा के गए, कल मिस्टर वाई आए, उन्होंने कहा कि बैंक से हमें लोन चाहिए, मैडम जी हमें लोन दी दीजिए 10,000 का। मैंने उठा के 10,000 मिस्टर वाई को लोन दे दिए। अब देखो मिस्टर वाई को चुकाना है, टाइम पे ही आएंगे, बहुत डिलेट तो है नहीं कि एक दिन में जल्दी से चुकाने आ जाएंगे पैसा, वो लेके चले गए। मिस्टर एक्स का पैसा था, डिमांड डिपॉजिट था, वो डिमांड करने आ गए कि भैया मुझे जरूरत पड़ गई है उन 10,000 की, तो आप मेरे 10,000 मुझे अभी विड्रॉ करके दे दो। नाउ द प्रॉब्लम इज कि मैं तो पैसे मिस्टर एक्स को दे चुकी हूँ, केस समझ के चलिए। अब ये मत कहिए कि मैडम और 4 लोगों के भी आते हैं तो आप उनमें से एडजस्ट कर दीजिए, तो ऐसी तो बहुत सारी चीजें होती है, बट एक आप बेस लेके चलिए कि वो मेरे पास मांगने आ गए। ऐसे मान लो कि जितने भी लोग थे सब भी मांगने आ सकते हैं, ओके? तो मानने पे तो बहुत कुछ चीजें हो सकती है, तो वो मानने वाले जो दिमाग चल रहे हैं वो अभी नहीं चलाना है। मिस्टर एक्स मेरे पास पूरे 10,000 रुपए लेने आ गए, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहां से मिस्टर एक्स को दूंगी, ओके? तो इसीलिए अपनी हर डिपॉजिट का एज इट इज पूरा डिपॉजिट उठा के हम लोन कभी नहीं देते हैं, कुछ परसेंटेज हम अपने पास रखते हैं और क्योंकि जरूरत पड़ने पे हम हर बार RBI से मदद मांगने जाते हैं, तो RBI के पास भी तो पैसा होना चाहिए ना, तो कुछ परसेंटेज हम RBI के पास भी रखवाते हैं। तो जो पैसा आप अपने पास रखते हो, जो पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, और जो पैसा वो सेंट्रल बैंक के पास रखवाते हैं उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। याद करने का एक और तरीका, SS स्टैचुरी, SS सेल्फ, तो जो सेल्फ के पास रखे वो स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, सी से कैश एंड सी से सेंट्रल, तो जो कैश रिजर्व रेशियो है इसका मतलब वो किसके पास रखा है, सेंट्रल। तो द मिनिमम अमाउंट दैट एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट विद देमसेल्फ इज नोन एज स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, एंड द मिनिमम अमाउंट दैट एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट विद द सेंट्रल बैंक इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। मीनिंग इज क्लियर? अब आज ये कंसेप्ट है, अब कंसेप्ट पे आते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में क्या होगा, यही कहानी घूमेगी। दोबारा एग्जांपल दे रही हूँ, दोनों के लिए एक ही एग्जांपल दे रही हूँ, चाहे CRR लो चाहे SLR लो। देखो क्या था, 1,000 रुपए क्या था मेरे पास, किसी ने आके जमा कराए, मैंने कहा मेरा SLR है 10%, ठीक है 1,000 रुपए, वही सेम एग्जांपल यहाँ पे रिपीट होगा बेटा, 1,000 रुपए किसी ने आके मेरे पास जमा कराए, मैंने कहा मेरा SLR है 10%, तो मैं 10% अपने पास रख लूंगी और आगे लोन देने के लिए वही अगेन मेरे पास कितना 900 रुपए। अगर इन्फ्लेशन का केस है, पैसा ज्यादा है, कम करना है, इस 900 को 800 या 700 करना है, तो यहाँ पे रेट बढ़ा दो, चाहे CRR हो चाहे SLR हो, इस परसेंटेज को बढ़ा दो। वही पैसा कम जा रहा है और आपको इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पैसा कम पैसा ज्यादा करना है, तो आपको इस रेट को कम करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? वही वाला सेम एग्जाम्पल है, यानी कि अगर इन्फ्लेशन का केस है तो मुझे CRR को परसेंटेज को इंक्रीज करना पड़ेगा और SLR की परसेंटेज को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। वही अगर डिफ्लेशन का केस है तो मुझे ये परसेंटेज और ये परसेंटेज को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है, देखो ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन का केस है तो वो ये भी इंक्रीज कर देगा, ये भी इंक्रीज कर देगा, ये भी इंक्रीज कर देगा, और ऐसे डिपेंड करता है व्हाट RBI विल डिसाइड, कि बहुत थोड़ा थोड़ा सबको इंक्रीज कर रहा है या इसको इंक्रीज ही नहीं कर रहा है, सिर्फ इसी को इंक्रीज कर रहा है। समझ रहे हो ना? आप सोचो इन्फ्लेशन का केस है, इन्फ्लेशन जैसी आनी स्टार्ट होगी तो RBI क्या करेगा, बैंक रेट भी बढ़ा दिया, CRR भी बढ़ा दिया, SLR भी बढ़ा दिया। इट डजंट हैपन इन दैट वे, ऐसे नहीं होता है। हो सकता है वो तीनों का थोड़ा थोड़ा परसेंटेज 0.25 बढ़ा दे, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है वो सिर्फ इसको बढ़ाए, इन दोनों को बढ़ाए ना। इज दैट क्लियर? ये कंसेप्ट भी दिमाग में रखना है। ऐसी अजीब सी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में आ सकती है, तो इसके अलावा भी, वैसे तो मैं सारी जितनी भी कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में आती है मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ, बट स्टिल आपके माइंड में और कोई कंफ्यूजन भी है तो आप प्लीज उसे ड्रॉप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ये तीन चीजें हमें समझ में आई। उसके अलावा लास्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट मतलब खुली बाजार में चीजों को सेल और परचेज करना। चीजें क्या, सामान नहीं बेचना, ये मार्कर ये बोर्ड ये नहीं बेचने जा रहे हो। बैंक्स के पास भी ना कुछ सिक्योरिटीज होती है, जैसे शेयर वगैरह ये सब कंसेप्ट होते हैं ना, ऐसे बैंक की भी अपनी कुछ सिक्योरिटीज होती है जिनको बैंक क्या करता है, मार्केट में सेल और परचेज करता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो मीनिंग क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, अब बात करते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में इनको कैसे डील करेंगे। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के केस में इसके साथ क्या करेंगे, तो देखो सेल होती है और परचेज होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन में।
इन्फ्लेशन क्या है? मार्केट में लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, इनके पास पैसा है, मुझे इनके पास से पैसा लेना है, तो मैं इनको सामान बेचूंगी या इनसे सामान खरीदूंगी। मैं पर्टिकुलर ये लोग हैं, इनके हाथ में बहुत सारा पैसा है, मुझे इनके पास से पैसा किसी भी तरह कम करना है। कम करने के लिए आप क्या करोगे? सेल करोगे या परचेज करोगे? अंडरस्टूड? आप इनको क्या करोगे? सामान सेल कर दोगे, क्योंकि मैं इन्हें सामान दे दूंगी और इनके पास का पैसा मेरे पास आ जाएगा। इसका मतलब इन्फ्लेशन के केस में ये जो बैंक है, ये सिक्योरिटी क्या करता है? आरबीआई मार्केट में सिक्योरिटी इसको सेल करता है, ताकि लोगों के हाथ में सिक्योरिटी के नाम का एक पेपर चला जाए और उनका पैसा अभी हमारे पास आ जाए। समझ में आया? वहीं अगर इनके पास पैसा नहीं है, खाली बैठे हैं, कुछ नहीं है, तो अगर इनके पास कोई पुरानी सिक्योरिटीज है तो बैंक कहेगा, लाओ मुझे अपनी सिक्योरिटी, लाके बेच दो, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ और ये सिक्योरिटीज तुम मुझे दे दो, तो तुम्हारे हाथ में पैसा आ जाएगा और तुम जाके अपनी जरूरत की चीजें, जो भी तुम परचेज नहीं कर रहे हो, तुम परचेज करना स्टार्ट कर दोगे। समझ में आया ओपन मार्केट ऑपरेशन? ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल एंड परचेज रिलेटेड होता है। इन्फ्लेशन के केस में सिक्योरिटीज को करा जाता है सेल, ताकि लोगों के पास से पैसा हो जाए कम और उनकी परचेजिंग पावर हो जाए कम। वही डिफ्लेशन के केस में करा जाता है परचेज। ओके, ये आपको क्वांटिटेटिव मेजर आई होप बहुत डिटेल में क्लियर हो गए होंगे। तो ये थे हमारे क्वांटिटेटिव मेजर। वहीं इफ आई टॉक अबाउट क्वालिटेटिव मेजर, देखिए क्वालिटेटिव मेजर में पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट की मैं बात करूँ तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ, जो डिफरेंस होता है जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं। देखो, बैंक से लोन लेने जाओगे ना तो आपको कुछ मोर्टगेज रखना पड़ता है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो समथिंग कुछ गिरवी रखना पड़ता है आपको बैंक के पास। ठीक है, तो आपने जब भी आप लोन लेना है, मान लो मुझे 10 लाख का लोन लेना है, तो बैंक कहेगा पहले दिखाओ कि तुम 10 लाख रुपए चुका भी सकते हो या नहीं। मतलब जनरली बैंक आपके रिकॉर्ड चेक करता है कि टैक्स पे कर रहा है 1% हर साल या नहीं कर रहा है। अच्छा, ये आईटीआर कितनी फिल करता है, मतलब मान लो कमा तो रहा ही नहीं है, मैं इसको लोन दे दूँ। अच्छा, सैलरीड पर्सन है तो कितनी सैलरी इसको आ जाती है, इसका टीडीएस कितना कट रहा है, ये सब चीजें बैंक देख के आपको लोन देता है। इसके अलावा जनरली मोर्टगेज की बात करते हैं, बड़ा लोन लेना है तो बैंक मोर्टगेज देखता है कि इसकी इतनी प्रॉपर्टी है, इसके बेसिस पे मैं इसे लोन दे देता हूँ, अगर नहीं रीपे कर पाएगा तो ये प्रॉपर्टी हम जब्त कर लेंगे। जैसे होम लोन है, घर की 3, 4, 5, 10 किश्त आप नहीं चुकाओगे, मतलब 3, 4, 5, 10 तो बहुत ज्यादा है, घर की किश्त आप नहीं चुका पाओगे, तो बैंक आपको वॉर्न करता है अगर आप किश्त नहीं चुका पाई है तो। ठीक है, घर पे बैंक का कब्जा है, आप नहीं रेगुलरली लंबे समय तक अगर आप किश्तें पे कर पाओगे, आप नहीं अमाउंट ईएमआई पे कर पाओगे। ठीक है, तो यही चीज है। तो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मोर्टगेज, जितना लोन आपको लेना है और जितना मोर्टगेज है, उसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट? द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मोर्टगेज इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्लियर? वेरी क्लियर। एग्जाम्पल अमाउंट से क्लियर करते हैं, ऐसे नहीं क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 लाख का लोन लेना था, मेरे पास 7 लाख की प्रॉपर्टी थी, मैंने 7 लाख की प्रॉपर्टी रखी, मैंने कहा मुझे 5 लाख रुपए दे दो। मतलब या फिर ये मैंने नहीं कहा, 5 लाख का लोन लेना है, मैं गई बैंक के पास, मुझे चाहिए 5 लाख का लोन, मैं गई बैंक के पास, मैंने कहा प्रॉपर्टी दिखाओ 7 लाख की प्रॉपर्टी है, बैंक ने कहा, या फिर 7 लाख की प्रॉपर्टी ले लो, पहले आपने बैंक को दिखाया मेरे पास 7 लाख की प्रॉपर्टी है, मुझे लोन चाहिए 6 लाख का, बैंक ने कहा मैं नहीं दे सकता 6 लाख, मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट ही 2 लाख है, मैं तुम्हें सिर्फ 5 लाख का ही लोन दे सकता हूँ। यानी बैंक ने यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना रखा? 2 लाख। क्या हुआ दोबारा समझो, मैं बैंक के पास गई 7 लाख की प्रॉपर्टी के पेपर लेके, ऐसा ऐसा मेरा सब 7 लाख का बैठ रहा है, मुझे 6 लाख का लोन चाहिए, बैंक ने कहा आई एम वेरी सॉरी 7 लाख का प्रॉपर्टी लाए हो हम लोन, हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट 2 लाख है, तो हम सिर्फ आपको 5 लाख का लोन दे सकते हैं। एक केस ये हुआ। अब आ जाओ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पे। मार्केट में इन्फ्लेशन, पब्लिक के पास पैसा ज्यादा, मार्केट में डिफ्लेशन, पब्लिक के पास पैसा कम। इन्फ्लेशन के केस में आपसे पैसा लेना है तो बैंक क्या कहेगा, 7 लाख पे 5 लाख का ही लोन दूंगा, नहीं दे सकता क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, 7 पे 6 का लोन दे देगा तो 1 लाख रुपया और ज्यादा चला गया मार्केट में। ठीक है, वहीं अगर डिफ्लेशन है, लोगों के पास पैसा कम है, डिमांड लोग नहीं कर रहे हैं, तो बैंक क्या कहेगा, बैंक कहेगा ठीक है मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट 1 लाख कर देता हूँ, मैं आपको 7 लाख की जगह 6 लाख का लोन देने के लिए तैयार हूँ। मैं क्या करूंगा, आपको 7 लाख की जगह 6 लाख का लोन दूंगा, इसका मतलब बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या कर देगा, कम कर देगा। समझ में आएगा कंसेप्ट? समझ में आया एग्जाम्पल से? यानी कि इन्फ्लेशन के केस में बैंक क्या करता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है, जिससे पैसा मार्केट में कम पहुंचा, 5 लाख रुपए पहुंचे। वहीं डिफ्लेशन के केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देता है, जिससे कि मार्केट में पैसे ज्यादा पहुंचे। इन्फ्लेशन के केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा, डिफ्लेशन के केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देगा। अब समझ में अगर आ गया है ना, तो ये याद करना रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर रट्टा मारना है, अगर आपको जिसको मतलब समझ में आ गई कंसेप्ट और रट्टा मारने की बात करनी है ना, तो कुछ नहीं है। देखो, सब में एक ही चीज हो रही है, चाहे मैं बैंक रेट कहूँ, चाहे मैं सीआरआर कहूँ, चाहे मैं एसएलआर कहूँ, और चाहे मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट कहूँ। इन्फ्लेशन के केस में बैंक परसेंटेज जनरली बढ़ाता है ताकि लोगों के पास पैसा कम जाए, और डिफ्लेशन के केस में ये सारी परसेंटेज क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है।
मीनिंग समझ में आ गया तो आपको याद नहीं करना, इन्फ्लेशन में सब में बढ़ा रहा है और डिफ्लेशन में सब में कम कर रहा है। बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर और मार्जिन रिक्वायरमेंट, इन सबकी ट्रीटमेंट सेम है। वहीं बात करूं ओपन मार्केट ऑपरेशन की, तो ओपन मार्केट में इन्फ्लेशन में सेल करता है और डिफ्लेशन में परचेज करता है। बात आती है मोरल सुएशन की, मोरल सुएशन कुछ नहीं है, मोरल सुएशन होता है नैतिक प्रभाव। मतलब कुछ कई बार आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को कुछ चीजें बता देता है कि आपको किस सेक्टर को कितने लोन देने हैं। जैसे कई बार ना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक वर्ड होता है, जैसे जो वीकर सेक्शन है, वुमेन्स हो गई, अगर वुमेन अपना कोई स्टार्टअप करना चाहती है, एमएसएमईज हो गए, ठीक है, मतलब माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, इसके अलावा बहुत से लोग कुछ शेड्यूल कास्ट वगैरह लोग इस तरीके से हो गए, तो बैंक ने कुछ प्रायोरिटी डिसाइड कर देता है। एग्रीकल्चर को लेके हो गया तो बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करता है कि आरबीआई बोल देता है कि भैया पहले प्रायोरिटी इतना कम से कम लोन तो इनको देना ही देना है। ऐसा नहीं है तुम सब कैपिटलिस्ट लोगों को अमीरों को ही लोन लुटाते रहे हो। तो बैंक प्रायोरिटी फिक्स करके कुछ बता देता है, तो कुछ मोरल प्रेशर बना के रखता है कमर्शियल बैंक्स पे आरबीआई, ताकि जो आपकी पूरी कंट्री है इसमें क्वालिटी बनी रहे, प्रॉब्लम ना हो। वरना तो अमीर लोन लेगा, बिजनेस करेगा और इधर उधर पैसा लगाएगा और अमीर होगा और गरीब के पास कुछ नहीं जाएगा। तो आरबीआई का ये काम भी होता है कि वो सोशल सिक्योरिटी, क्वालिटी ये सब भी मेंटेन करके रखे, तो उसके लिए भी ये क्वालिटेटिव मेजर जो है लाइक मोरल सिचुएशन वगैरह बैंक फॉलो करता है। इज दैट क्लियर? तो अगर क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन देख लो एक बार कैसे कैसे आ सकते हैं। एक क्वेश्चन डिटेल में आ सकता है, हाउ आरबीआई कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी, ये रही सारी कहानी। क्वेश्चन आ सकता है, हाउ आरबीआई कंट्रोल द क्रेडिट विद, इनमें से किसी का भी नाम लिख के दे देगा ए बी सी करके, तो सिर्फ उतना ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक आ सकता है, एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ आरबीआई कंट्रोल द क्रेडिट या हाउ आरबीआई कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, तो आपको फिर डिफ्लेशन में डिक्रीज करता है ये नहीं लिखना, बस मीनिंग लिखना है, और इन्फ्लेशन के केस में इंक्रीज करता है ये भी लिखना है। ये जो मैं आपको आगे चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, भी आएगा आपके मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी आएंगी ना, तब भी ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पे इसे समझ लो, ये दो चैप्टर में आपके यूज हो रहा है, तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में बस एक टॉपिक इसका और बचा है बैंकिंग चैप्टर का, कि जो आपके कमर्शियल बैंक है वो मार्केट में पैसा कैसे बनाते हैं। तो इतना टॉपिक हमने कर लिया, अगली क्लास में हम उसको देख के बैंकिंग चैप्टर को खत्म करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।